सर रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। बस ठीक है, मैंने बंद कर दिया। अच्छा क्लास, तो माशाल्लाह सब आ गए हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इंट्रैक्शन बता दें। क्या कहते हैं, कौन कौन है अपने माइक से, और कोशिश करें कि वीडियो जो है वो ऑन रखें ताकि सर मैं भी वीडियो ऑन कर, इंट्रैक्शन, हाँ सारे जितने भी लोग हैं वो वीडियो ऑन करें ताकि इंट्रैक्शन हो सके तमाम लोगों से। ओके सर। भाई वीडियो ऑन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा नाम उबैद है, अच्छा भाई 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 आपका कैसे स्टूडेंट आप हूँ कर सेक्शन रहे बी का। अल्हम्दुलिल्लाह हैं? ये बेहतरीन, इरफान भाई भी आ गए, तरावी पढ़ के बेहतरीन। अभी इन्होंने टोपी उतारी है। मैं भी बस अभी अभी पहुंचा हूँ जो है ना, क्या कहते सर हैं मैं तो आज। पढ़ा के बैठा हूँ अच्छा माशाल्लाह पढ़ाते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो बात हमारे भाई यहाँ बस वीडियो जी बंद जी कर दो। हमारे यहाँ ये हो अच्छा रहा था कि मस्जिद तो बंद हुई हुई है, तो जो घर में अहतमाम किया हुआ है सामने सोसाइटी में ना, एक घर है माशाल्लाह, वहाँ पे कारी को बुलाया हुआ है, वहाँ पे अहतमाम किया हुआ है। अल्लाह ताला जजा दे भाई उन तमाम लोगों को जो इस वक्त लोगों को घरों में पढ़ा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें ये कुरान की शहादत दी है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इससे मुसीबत से हमें निजात अता फरमाए। अच्छा भाई आमीन काफी लोग माशाल्लाह से आ गए हैं, पांच आमीन। आ गए हैं, 37 लोग हो गए हैं। वैसे टोटल अगर देखा जाए तमाम तीनों सेक्शन को मिला के तो कितने बच्चे हैं? सर 150 से तकरीबन ऊपर है, 150 से70 ऊपर है, मीन्स नहीं सर, का वन मतलब वन थर्टी 130 मैक्सिमम है सर। सेक्शन ए हाँ में सिर्फ 50 है, 50 के करीब सेक्शन ए में। यस सर यस। सर आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है। अब आ जाएगी सर की आवाज़ बिल्कुल सही है, थोड़ा शायद आपका नेट डाउन हो गया होगा। अच्छा भाई मौलाना साहब, अच्छा भाई जब क्लास इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा तो कोशिश करेंगे कि तमाम लोग अपना फिर जो माइक है वो फिर बंद कर दीजिएगा ताकि, और फिर जिसको अगर सवाल करना हो, कुछ समझना हो, तो वो वीडियो ऑन करके और सवाल कर सकता है माइक ऑन करके। ठीक है, वन बाय वन होगा इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। मैंने विजुअल स्टूडियो आज मेरी जो जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि मैं कोडिंग की बुनियाद, यानी यस कि पहले तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कोडिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, डेटाबेस का भी थोड़ा बहुत बताया था, डेटा स्ट्रक्चर्स का भी बताया था। सर आज हम उसका एक विजुअल स्टूडियो में सी शार्प के थ्रू किस तरह से उस प्रोग्रामिंग को करेंगे, और क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होती है, ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और आज की क्लास इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि मैं प्रोग्रामिंग की बुनियाद बताऊंगा आपको, यानी कि आज अगर आप लोगों ने ये छोटी सी क्लास इंशाल्लाह सीख ली और समझ लिया, तो आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में और उसको पढ़ने में मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे बात है, मगर ये है कि तमाम लोग जो है वो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सिर्फ एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ बोलो। अगर मुझे अभी समझ में नहीं आता कि आपका लेक्चर क्योंकि नेट की वजह से बहुत हैंग हो रहा है, क्या आपका कोई दूसरा मेथड है जिससे मैं इसको रिकॉल कर सकूं? यार हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सेशन को, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ओके इंशाल्लाह जजाक आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारे बच्चे हैं अल्लाह। जिनका नेट नहीं चल रहा, तो मैं सबसे माजरत तो नहीं कर सकता, बस ये एक रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर आपको आपके सीआर से मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके जजाक ठीक है भाई, अल्लाह स्टार्ट सर। करें भाई। सही है भाई। यस सर अच्छा चैट में भी ग्रुप चैट हो रही है, तो आप लोगों को चैट पे मैसेज मैं करके देखता हूँ। सलाम टू ऑल, तो आप लोगों को मैसेज मिल गया मेरा सबको? अरे हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। भाई टेस्टिंग, आप बेहतरीन टेस्टिंग हो गई आपकी। ये मैसेज मिल गया सबको नो सर ग्रुप चैट पे? नहीं मिला। ये राइट नो सर नो सर नहीं मिला। नो सर नहीं मिला। 50 लोग हो गए सर आ गया, आ मुश्किल गया सर, आ गया सर, अभी आ रहे हैं कुछ लोग, आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं।
बहुत लोग आ रहे हैं, 50 को हो गए माशाल्लाह, 45 हो गए। अच्छा भाइयों आ जाओ, सब लोग आ जाओ। और भाई कैसी गुजर रही हैं छुट्टियां आप लोगों की? सर छुट्टियां तो खैर लॉकडाउन में कैसी अच्छी गुजरेंगी, बाहर तो निकल नहीं सकते। ये बात भी है, बहुत बाहर जाने कुछ नया सीख कर गुजर रही है। कुछ नया सीख के गुजरना अच्छी बात है, कुछ हो रही है उसी में, कुछ नया सीखना भी चाहिए इंसान को यार जिंदगी में। सर मुझे भी आज बड़ी अच्छी चीज मिली, हीरोकू कोई प्लेटफॉर्म बनाया अभी, गूगल वालों ने बनाया अभी, यूएस और यूरोप में चल रहा है, लॉन्च हुआ है। मल्टीपल मतलब बड़ी बड़ी टीमें किसी भी एक वेब एप्लीकेशन पे काम कर सकती है। सही, अभी भी मैंने देखा है गूगल ड्राइव वालों के साथ लिंक हो चुका है। इरफान माइक करीब कर लो, आवाज थोड़ी सी कट गई। माशाल्लाह माशाल्लाह कारी सर क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैं काम ही करता हूँ, मैं सब आ गए हैं, सब समझता है। यस सर बिल्कुल आ चुके हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और हम डायरेक्ट जो है वो। अच्छा भाई सबको स्क्रीन नजर आ रही है माशाल्लाह से? जी सर, ये विजुअल स्टूडियो 2019 है और मैंने प्रोजेक्ट अपना बनाया है विंडोज डेस्कटॉप का। सर सर वो चल गया था ना वो की जो मैंने आपको दी थी? यार उसने भी मुझसे की मांगी नहीं है सर, मांग रहा हूँ और अभी मांगेगा भी, तो 30 डेज का ट्रायल अभी किया है मैंने। सही है सर, इंशाल्लाह जब मांगेगा तो फिर वो डाल के देखूंगा। अच्छा भाई स्क्रीन नजर आ गई आपको भाई? यस सर। और कितने लोग ना आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। यस सर कितने घंटे की क्लास है यार ये? इंशाल्लाह मेरी 40-45 मिनट की, 4 मिनट की, 12:30-12:15 तक खत्म कर देंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि सही 40 मिनट्स का सेशन होता है एक तो। वही कर रहा हूं कोशिश। आप स्टार्ट करें सर, आप कहां से स्टार्ट करिए? ठीक है जल्दी, टाइम वेस्ट हो। सर आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है यार, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, किस किस को नहीं आ रही है? गुलाबो सही है, जिनके पास इशू होगा इंटरनेट का उनके पास आवाज प्रॉपर नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा चलो जबरदस्त, ठीक है यार, जिन जिनके इंटरनेट के इशू फिर वो बाद में वीडियो देख लीजिएगा, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर स्टार्ट करें। अच्छा प्रोजेक्ट के थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कहाँ से आप लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन बनाई है कभी, कंसोल या डेस्कटॉप? यस सर यस सर बनाई है। अच्छा बनाई है, एक कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट खोलते हैं। चलिए विजुअल स्टूडियो है। हाँ विजुअल स्टूडियो ठीक है, मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट किए भी। ये स्टूडियो 15 है ना? 2019 है ये। ओके टूल के जो विजुअल स्टूडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना चीजें हल नहीं होंगी, ठीक है, यानी कि आगे क्लियर नहीं होंगी। अच्छा भाई ये हमने कंसोल एप्लीकेशन बनाई है, कंसोल एप्लीकेशन का आपको अगर मैं बताऊं तो उसका जो आउटपुट आता है, जैसे आप लोगों ने सी में प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें ब्लैक स्क्रीन होती है और ब्लैक स्क्रीन में कुछ प्रिंट लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, इस तरह की एप्लीकेशन को कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाने का मकसद इतना ये है स्टार्ट यहाँ से करने का, ताकि आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ सके, ठीक है इंशाल्लाह। यस सर, स्क्रीन को रोकता हूँ सर, स्क्रीन थोड़ा जूम कीजिएगा, थोड़ा नजर नहीं।
नजर आ रहा है। सर अगर आप आगे सबको जो है म्यूट कर देंगे तो हम हमें जो आपकी आवाज है वो प्रॉपर आएगी। ठीक है ठीक है। तो ये एक जो है वो आउटपुट आ गया है। अच्छा मैं एक को जो है इरफान तुम अपना जो है वो माइक ओपन रख लो ताकि मेरी जो है तुमसे कन्वर्सेशन होती रहे, वरना तो ऐसा लग रहा है। सर आप ऐसे कीजिए, आप पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे वहां पे म्यूट कॉल का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर सर जिसको आपसे क्वेश्चन होगा वो आपको अपने आपको खुद अनम्यूट कर सकता है। हाँ तो यार एक बंदा एक दो बंदे जो है ना वो कम्युनिकेशन में रखे हैं, वरना तो यार मैं समझ नहीं आएगा कि मैं बात कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उबेद आ जाओ उबेद। ठीक है तो एक बंदा रहा है बस। ठीक है अच्छा तो ये स्क्रीन आ गई है, जावेद है, जावेद ग्रुप में वो भी माइक खोल ले जावेद अगर है तो। ठीक है भाई तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप कोई भी क्लास पहले बनाते हैं ठीक है, तो ये एक क्लास है इसकी, ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है। इस प्रोजेक्ट में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके आपको यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है सॉल्यूशन कंसोल ऐप 1। ठीक है इसके अंदर ये डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है डिपेंडेंसीज सारी लाइब्रेरीज वगैरह और इसी, और ये हमारी मेन क्लास है प्रोग्राम डॉट सी एस। हम यहाँ पे एक नई क्लास भी ऐड करा सकते हैं। ठीक है हम बिल्कुल करेंगे, करके भी देखेंगे, नई क्लास ऐड करते हैं हम। क्लास का नाम हम लिख देते हैं माय मैथ क्लास। ठीक है सर ये फर्स्ट क्लास करवा रहे हैं आप? ठीक है हमने एक पहली क्लास बना ली, अब आप देखें। मैं आपको बहुत सर ये पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, क्लियर नहीं हो रही है आपकी आवाज। कॉल किया हुआ तो है सबको। चलो ठीक है और भी बाकी लोगों को भी कर देते हैं। ठीक है भाई तो हमने क्लास नहीं बना ली, अब ये क्लास बताने का मकसद ये है कि आप ये देख रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ से चलें तो ये कुछ यूजिंग करके जो है वो कुछ लाइब्रेरीज ऐड हुई हैं, जैसे हम सी में करते थे ना कोनायो डॉट एच और एसटीडी डॉट आईओ एच, इसी तरह से यहाँ पे जो सबसे मेन जो लाइब्रेरी होती है ना विजुअल स्टूडियो में वो होता है सिस्टम, और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सिस्टम से ही ड्राइव होंगी। ठीक है तो सिस्टम पेरेंट हो गया। कौन है भाई ये? ठीक है म्यूट कर दिया बात। तो बाकी जितनी भी क्लासेस होगी वो सब इनसे ड्राइव होंगी देखें। ठीक है अच्छा फिर आ जाता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस की अगर मैंने शायद अगर पढ़ाया हो मैं दोबारा यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। नेम स्पेस वो जगह होती है जो कि जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हुई होती हैं। ठीक है तो आप वहाँ पे एक जगह पे बैठते हैं और अपना रजिस्टर खोलते हैं, रजिस्टर में कुछ चीज़ें लिखते हैं, वहाँ पे आपको अगर किसी किताब की ज़रूरत होती है तो आप किताब से अपनी स्टडी करते हैं और उससे नोट्स अपने रजिस्टर में बनाते हैं, और वहीं लाइब्रेरी में किसी एक जगह पर आप लॉकर में अपने रजिस्टर को सेव कर देते हैं। तो ये नेम स्पेस भी इसी तरह से है कि ये का जो कंसोल ऐप नेम स्पेस के आगे लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे ये आपका रजिस्टर का नाम है। ठीक है और ये नेम स्पेस बेसिकली उस डॉट नेट की जितनी भी बड़ी लाइब्रेरी है उसके एक छोटे से पोर्शन में आपका भी कोड रखा हुआ है, जहाँ पे आप डॉट नेट की वो तमाम लाइब्रेरीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कुछ क्लासेस भी बना सकते हैं। ठीक है तो ये नेम स्पेस का मकसद होता है। ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं कि क्लास में होता क्या क्या। वो जाल रखा हुआ है टोकरा। क्लास को बनाने के लिए ना बस सबसे पहले आपको क्लास का कीवर्ड खा जाएगा यार। ये कौन है भाई? ये अपना म्यूट माइक ऑफ कर ले भाई, खानदानों की आवाजें आ रही हैं।
सर आप सबको म्यूट कर दें। मैं बार बार पांचवी दफा कर चुका हूँ। खैर चलते हैं। तो क्लास को कभी भी जब बनाना होता है तो एक नई क्लास, हमने ये क्लास का कीवर्ड होता है, ठीक है, ये क्लास का कीवर्ड है, ठीक है, और आगे आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे माई मैथ क्लास बनाई हुई है, यहाँ पे मैं एक और क्लास भी बना सकता हूँ, क्लास कैलकुलेशन, ठीक है, ये क्लास बन गई, ये उसकी बॉडी हो गई, ठीक है। अब एक क्लास में होता क्या है, एक क्लास में अगर देखा जाए तो उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे और मेथड्स होंगे, यानी फंक्शंस होंगे। यही दो चीजें होती हैं किसी भी क्लास के अंदर। और आप क्लास क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि वहां पे क्लास और ऑब्जेक्ट का, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको कि क्लास इज अ लॉजिकल टेम्पलेट जहाँ पे एक किसी भी आइटम की खसूसियात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शनैलिटी सारी लिखी हुई होती हैं, और उसको इस्तेमाल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर आप उस क्लास की फंक्शनैलिटी को भी इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, और आप उसकी वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम आज बहुत बेसिक जो है वो करके देखेंगे कि अगर मैं सबसे पहले माई मैथ की क्लास में अगर मैं चला जाता हूँ, मैं ये वाली क्लास को डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाई थी। अच्छा, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर नम वन, और उसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं जीरो, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं इन नम टू इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई। एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन मैं बना लेता हूँ, नाम उसका जो है वो रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, और वो काम फंक्शन का नाम होगा सम, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स होंगे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ठीक है, और ये फंक्शन की बॉडी बन गई। इस बॉडी के अंदर क्या होगा, इस बॉडी के अंदर ये होगा कि रिटर्न करो ए प्लस बी, ठीक है भाई। अब ये मैंने एक क्लास बनाई है, इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, नम वन नम टू, और एक मेथड है जो कि जिसकी रिटर्न टाइप। अब मेथड जब भी आप लिखेंगे ना, तो मेथड की सबसे पहले क्या आती है, रिटर्न टाइप, जो कि मैंने यहाँ पे इंटीजर दी हुई है, उसके बाद उसका नाम आता है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस हम खोलते हैं, फिर हम जितने चाहे पैरामीटर्स वहाँ पे बता सकते हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी दो इस वक्त दो पैरामीटर्स हैं, फिर उसकी बॉडी ओपन होती है, और उसकी बॉडी होने बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने रिटर्न कराया हुआ है रिटर्न ए प्लस बी। अब रिटर्न ए प्लस बी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप हमने इंटीजर लिखी है, ठीक है भाई। तो अब हम जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें नजर आते हैं, यानी कि हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या, हाँ, कहाँ हम जाएंगे भाई, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जाएंगे उस क्लास में जिसके अंदर मेन का मेथड होगा। तो वो कौन सी क्लास है, वो है हमारी प्रोग्राम क्लास जिसके अंदर मेन का मेथड है यहीं पे। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो क्लास है, जब भी कंपाइल होगा, जब भी प्रोग्राम रन होगा, तो वो मेथड सबसे पहले चलेगा जिसका नाम मेन है। तो मेन मेथड सबसे पहले रन होगा, ठीक है, वो किस क्लास के अंदर है, प्रोग्राम क्लास के अंदर है, तो इसका मतलब है प्रोग्राम क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। कैसे बनाते हैं भाई, पहले क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है, और ओबीजे वन नाम देते हैं ऑब्जेक्ट का, और न्यू करके क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, यानी कि ये अगर कोई अब मैं बता पूछने लगूंगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। सर थोड़ा आराम आराम से समझा लेंगे तो बेहतर होगा। वो बिल्कुल, आप दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है इसको, बार बार रिपीट करके भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये एक लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे फिर इंशाल्लाह मैं एंड में देख रहे होंगे। कोई मुझे बता सकता है कि ये हमने क्या लिखा है, ये मैंने जब एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये मैंने क्या किया है, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मैंने लिखा है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, तो कैसे बनाते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कोई सा भी नाम आपने देना हो वो देते हैं, यहाँ मैंने नाम दिया ओबीजे वन, फिर एक न्यू का कीवर्ड आप लिखते हैं, और उसके बाद ये क्या किया है मैंने, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने,
कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ये क्लास के नेम से एक मेथड होता है जो कि क्लास के अंदर ही बना हुआ होता है। लेकिन कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है कि मैंने तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है इस क्लास के अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, ये कहाँ से आ गया, ये बाय डिफॉल्ट होता है इसके अंदर। अच्छा, तो इसकी पहचान कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर की पहचान ऐसे होती है कि उसी क्लास का नाम होता है और आगे ये जहाँ भी किसी के भी के बाद ना, ये अगर ये पैरेंथेसिस लगे हुए होंगे ना, इसका मतलब ये है कि ये मेथड है। अगर वो मेथड क्लास के नेम पे बना हुआ होगा तो आप फौरन समझ जाएगा ये कंस्ट्रक्टर है। अब मैं आप इस कंस्ट्रक्टर को ना डिफाइन करके दिखा देता हूँ कि अगर कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन करना होता तो कैसे करते, हम करते माई मैथ और इंटीजर इंटीजर ए ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कंस्ट्रक्टर को खुद से लिख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इस चीज को सिंपल रखते हैं, तो मैंने डिलीट कर देता हूं। सर एक क्वेश्चन है, अभी पूछना है क्लास के एंड में, पूछो अगर अभी आ रहा तो अभी पूछ लो भाई। सर क्वेश्चन ये था कि ऑलमोस्ट मेथड से सिमिलर ही है ये जो सिंटैक्स वाइज भी और हर लिहाज से, तो फिर हमने इन दो एंटिटीज को डिफरेंट क्यों रखा प्रोग्रामिंग में, क्या बेनिफिट्स या क्या कंस्ट्रक्टर के डिफरेंसेस हैं कंस्ट्रक्टर को और मेथड को? जी हाँ, कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प देता है, मेथड का पर्पस नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट बनाने में किरदार अपना अदा करे। सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, फंक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है कि वो ऑब्जेक्ट बनाने में मदद देगा, ऑब्जेक्ट बनाने की बुनियाद कंस्ट्रक्टर से होती है बस। ये इसका एक, जब भी आप कभी भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे उसके अंदर कंस्ट्रक्टर से ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके मेथड से नहीं बन सकता। ये एक डिफरेंस है। खैर आगे चलते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम है obj1। क्या है obj1? अब मैं आगे लगाऊंगा, अब मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ क्या चीजें जो उस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किए। हमने क्या डिफाइन किया वहां पे, हमने दो वेरिएबल्स बनाए हुए, ठीक है, और एक मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं जरा डॉट लगाता हूँ और मैं देखता हूँ मुझे क्या नजर आता है, घंटा, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, या ना मुझे ना वेरिएबल्स नजर आ रहा है, ना ही मुझे जो है वो मेथड नजर आ रहा है, क्यों नजर नहीं आ रहा है? कोई बता सकता है क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं पता सर, उबैद भाई बताएं। सर आपकी क्लास पब्लिक नहीं है शायद, इसलिए। क्लास तो पब्लिक होती है बाय डिफॉल्ट। सर ने पढ़ाया था। ये मुझे मेथड्स, ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किए हैं और जो मेथड मैंने यहाँ बनाया है वो क्यों नजर नहीं आ रहा मुझे भाई? सर ये प्राइवेट है इसलिए, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। प्राइवेट है लेकिन क्यों प्राइवेट है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, कौन सावे हैं, किन्होंने जवाब दिया है इनको, फिरदौस की लोन दी जाए नाम बता दो फैजान साहब जो है ना, उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, जगह दे। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम क्लास कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या कोई मेथड बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। अब ये एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब पढ़ा रहा हूँ, तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमने चार पिलर्स पढ़े थे ना, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, उसमें से ये इनकैप्सुलेशन का मकसद ये होता है कि आपका डेटा हाइड हो जाए। तो डेटा हाइड कैसे हो रहा है, हमने एक क्लास बनाई, अब क्लास में हमने बना के उसके अंदर हमने वेरिएबल्स भी लिखे हैं, मेथड भी लिखे, लेकिन जब हम उसको एक्सेस करने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो होगा हो ये रहा है कि हमें एक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? हमें उन मेथड्स का या उन वेरिएबल्स का एक्सेस नहीं हो पा रहा है। इस तरह आपने अपने डेटा को हाइड कर लिया, किस तरह से, क्लास बना के। यहाँ ये बात समझ में आई आपके? अब ये एक सवाल उठेगा कि यार अगर हमने हाइड ही करना था तो अब हम एक्सेस कैसे करेंगे?
तो एक्सेस उन चीज़ों को करेंगे। अब इसके मिसाल ऐसे है कि भाई हमारे उबैद साहब जो हैं वो एक बेहतरीन चीज़ बना रहे हैं, कोई फार्मूला बना रहे हैं, कोई जो है ना प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि इनकी प्रोग्रामिंग जो इनका जो फार्मूला है वो हाइड रहे दूसरों से, दूसरे एक्सेस करें लेकिन सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने के लिए, कोई भी कोडिंग को छेड़ ना सके, कोई भी इनके डिफाइन वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज ना कर सके। तो वो क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो अपने उन जिनकी रसाई इनको देनी होगी उनको पब्लिक कर देंगे, जिन तक की रसाई नहीं देनी होगी उनको प्राइवेट रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, हमने क्या अपने वेरिएबल्स को पब्लिक करना है या प्राइवेट ही रहने देंगे। तो सवाल ये होता है कि वेरिएबल्स हमेशा प्राइवेट रहते हैं, वो वेरिएबल्स सिर्फ जिनकी मदद आपने बाहर कहीं से लेनी होती है, क्लास लेवल से एक्सेस करना होता है, उन वेरिएबल्स को आप पब्लिक करते हैं। अदरवाइज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन नॉट बी अलाउ एनीवन टू चेंज। तो वेरिएबल्स ऑलवेज रिमेन प्राइवेट, पहली बात समझ में आया आपको। अब हम अब तो फिर पब्लिक होगा क्या, पब्लिक होगा मेथड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक। अब हम जाके देखते हैं कि अब हमें ऑब्जेक्ट में क्या नजर आता है। अब हम जाके देखेंगे तो हमें नजर आ गया अपना हमारा डिजायर मेथड, क्या नाम था भाई हमारे मेथड का, सम। ये मेथड है हमारा सम, ठीक है। क्यों नजर आया, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना है, हमने इसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज प्राइवेट से चेंज करके क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। चेंज एक्चुअली चेंज नहीं करा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, हमने इसको पब्लिक लिख दिया। कैसे लिखा दोबारा देख लें भाई, सिंपल शुरू में जाके हमने पब्लिक लिख दिया सिंपल, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, इस तरह हमें ये प्रोग्राम मिल, यानी कि हमें मेथड मिल गया। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद ये क्या कह रहा है, अब ये देखो ये नज़र आ रहा है आपको, ये int my math dot sum, ये इसका बेसिकली क्या कहलाता है, अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ, ये नज़र आ रहा है आपको, ये ये बता रहा है, ये मुझे हिंट दे रहा है कि भाई जो आप फंक्शन एक्सेस करने जा रहे हैं, इस ये फंक्शन जो है वो उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और वो दो पैरामीटर लेगा, तो कृपया आप दो पैरामीटर इसमें दे दें, दो नंबर होने चाहिए वो। तो मैं कहूँगा अच्छा भाई, तो मैं एक नंबर दूंगा 30, एक नंबर दूंगा 20, ठीक है भाई। और मैंने इसका सेमी कॉलम बना के इसको क्लोज कर दिया, मैं दोबारा से इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था ना फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे सबरूटीन फंक्शन होते हैं, एक हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं। सब रूटीन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते, अपनी यानी एक रूटीन से चलते हैं और अपना काम कर देते हैं। अभी हमने जो फंक्शन बनाया उसका रिटर्न टाइप इंटीजर, इसका मतलब ये नॉर्मल फंक्शन है। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने उबैद भाई को पैसे दिए, मैंने कहा कि भाई जाओ और कुछ इससे खरीद के ला के मुझे दो, तो उबैद साहब क्या करेंगे, मैंने उनको एज अ पैरामीटर कुछ पैसे दिए, वो उन पैसों को लेंगे और जाएंगे मार्केट में, जो भी खरीदना होगा, जो भी उसकी बॉडी में फंक्शन में लिखा हुआ होगा उसे परफॉर्म करेंगे और जो भी सामान होगा मुझे रिटर्न लाके क्या दे देंगे, वापस दे देंगे। तो ऐसा फंक्शन जो के पर काम करे, परफॉर्म करे और रिटर्न करे, काम जो करा हो उसने उसका रिजल्ट रिटर्न करे, ऐसे फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो के भाई अपनी रूटीन से चलें, जो कुछ रिटर्न ना करें, मैं यहाँ पे बना के भी दिखा सकता हूँ। एक एक फंक्शन हम इसी को करते हैं, बना देते हैं, एक फंक्शन हम बनाते हैं और उसको हम कुछ रिटर्न नहीं कराएंगे, ठीक है। टॉर्चर हो रहा है भाई ये। फिर हम चलते हैं, आकार सुधर जा ठीक है। तो हमने जो है सर ये लोग सेल्फियां ले रहे हैं, बिलाव आ जा, मैं इधर तो शेयर कर रहा हूं सर, समझाएं इनको। सेल्फ इनी स्क्रीनशॉट होगा, मैं जो है वो इसको कर देता हूँ शो सम, यानी कि जब भी हमें किसी भी फंक्शन से उसको उसका रिजल्ट शो कराना होता है, वो कुछ उससे हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना, उससे हमें कुछ लेना नहीं है, हमने उसके अंदर ऐसा उस फंक्शन को बनाना होता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे कि आप चाहते हैं कि जब भी आपका प्रोग्राम चले तो आपके वेरिएबल्स जो हैं
वो सारे के सारे वन से इनिशियलाइज हो जाएं या नंबर टू से इनिशियलाइज हो जाए या कोई भी ऐसा फंक्शन जो आप चाहते हैं वो परफॉर्म कराना जो कि आपके स्टार्टिंग प्रोग्राम में हो जाए या बीच दौरान में आप चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कराना, ये बहुत सारी चीज़ होंगी आप देखेंगे ऐसे। ये सब रूटीन फंक्शन बहुत काम के होते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी देता हूँ कि आपने साइन अप किया है, साइन अप तो किया होगा ना, गूगल का फॉर्म भी किया होगा, आईडी बनाई होगी, फेसबुक पे भी साइन अप किया होगा, सबने साइन अप किया होगा। आपने देखा होगा जब हम साइन अप करते हुए जब वैल्यूज में एंट्री कर रहे होते हैं यानी टेक्स्ट बॉक्स में जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड वगैरह सब करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बटन क्लिक करते हैं क्या होता है, बटन क्लिक करने से ये होता है कि वो जितना भी हमने सारा लिखा हुआ होता है ना वो सारा का सारा गायब हो जाता है और टेक्स्ट बॉक्स दोबारा से क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो उससे ये होता है मेरे भाई कि आपने वो जो काम वो जो एक्शन आपने परफॉर्म कराना होता है वो उसका मकसद ये होता है कि वो रूटीन फंक्शन होता है, उससे आपने कुछ रिटर्न नहीं कराना। तो हमने यहाँ पे एक सब रूटीन फंक्शन बना लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे भाई, शो सम है तो हम शो सम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन और इसका रिजल्ट हम बता देते हैं। सर दोबारा बताइएगा प्लीज क्योंकि स्किप हो गया माइंड से ना जो आपने अभी बताया। दोबारा बता देता हूँ सर, स्टार्ट से बताना सर, रूटीन का फंक्शन बोलना सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, जो कुछ रिटर्न नहीं करते आप। अगर आप ये दो फंक्शन देखें, इन दो फंक्शनों में क्या क्या फर्क है, एक वॉइड है यानी कि एक फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड का मतलब है कुछ नहीं, और एक फंक्शन है जो कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ऐसे फंक्शन जो कुछ रिटर्न ना करें वो सब रूटीन फंक्शन होते हैं, और ऐसे फंक्शन जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ काम करके अपने रिजल्ट को, वो नॉर्मल फंक्शन कहलाते हैं। खैर आगे चलते हैं। अब हम जैसे कि अगर हमें ये देखना हो कि अब होगा क्या, हमने सम को किया है, अब सम ये जो मेथड हमने यहाँ पे एक्सेस करा है ये जो है ये तो रिटर्न करेगा इसकी वैल्यू, ये प्रिंट तो नहीं करेगा। अगर मैं इसको चलाता भी हूँ तो कोई रिजल्ट जो है वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, नीचे रिजल्ट नहीं आएगा लिखा हुआ, क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया है सम का ये तो वैल्यू प्लस करके रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू, प्रिंट नहीं करेगा। तो आप अभी देखेंगे इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं आया, रिजल्ट में कुछ नहीं आया। और क्यों नहीं आया भाई, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने तो ऐसे फंक्शन को कॉल किया जो कि दो वैल्यू को सम करके रिटर्न कर रहा है, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर शो सम का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है भाई, और उसको चलाएंगे। ठीक है भाई, तो अब क्या हो गया, अपने उसने रिजल्ट में 50 प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने वो मेथड कॉल कराया है। कौन सा मेथड कॉल कराया, हमने ये मेथड कॉल कराया, वो यहाँ पे आया, उसने दोनों नंबर लिए और उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन था सब रूटीन फंक्शन जो हमने कॉल कराया, उसने प्रिंट कर दिया। अब हम तो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है सम वाला फंक्शन, उसको हम कॉल करेंगे और वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको फिर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कैसे, कंसोल डॉट, या फिर एक काम करते हैं उसको एक नए वेरिएबल में ले लेते हैं, इंटीजर c इज इक्वल टू obj1 डॉट सम 50, 80, ठीक है भाई, और इसको हम प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा भाई, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा सर, 50 आएगा शायद, और फिर क्या आएगा सर,
फिर क्या आउटपुट आएगा? 130. हाँ तो दो आउटपुट आएंगे. तो अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो पहले आएगा लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड जी, उसके बाद 50 और फिर उसके बाद 130. अच्छा भाई यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बिल्कुल सिंपल था. हमने मेथड बनाए, हमने मेथड बना के उनको प्रिंट करवा दिया. अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपल ये करने जा रहे हैं. अब हमने जो वेरिएबल्स है ना हमारी क्लास के, ये जो वेरिएबल्स हैं ऊपर तो हमने डिफाइन किए हैं, हम इनको एक्सेस करने जा रहे हैं. लेकिन कैसे एक्सेस करेंगे? जब भी कभी अब हम प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने जा रहे हैं. जब भी हमें अपने किसी भी प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है तो हम करते हैं, बनाते हैं प्रॉपर्टीज. इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके जो यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या वीपी जो भी हैं, उनको एक्सेस कर उनके पास जाने के लिए आप डायरेक्ट आपको नहीं मिलते, पहले आपको उनके पीए से मिलना पड़ता है और उनसे अपनी सारी बात कहनी पड़ती है. तो पीए जो होता है वो वीपी का या डीन का या हेड एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है. तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप हम कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे और हम प्रॉपर्टीज में ये बताते हैं कि हमने किस तरह का एक्सेस देना है. एक्सेस दो तरह के होते हैं, रीड का और राइट का. एक यानी कि मैं रीड ओनली, यानी कि मैं एक एक्सेस देना चाह रहा हूँ कि बंदे को सिर्फ देख सके ये वैल्यू, और एक एक्सेस से देखने के चेंज भी कर सके. तो हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं. हम प्रॉपर्टीज कैसे बनाएंगे? प्रॉपर्टीज बनती हैं, प्रॉपर्टीज हमेशा पब्लिक होती हैं, ठीक है. उसी नाम रिटर्न टाइप उसकी डेटा टाइप होती है. नाम भी आप वही रख लें तो ज़्यादा आसान होता है. कैपिटल लेटर हम इसमें यूज़ करते हैं. कैमल कैसिंग और पास्कल कैसिंग बताऊँ तो कैमल कैसिंग और पास्कल कैसिंग में ये सिर्फ फ़र्क होता है कि आपने वेरिएबल बना डिफाइन करते वक्त, लिखते वक्त आपने जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है या स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है. तो प्रॉपर्टी बनाते वक्त हमेशा जो है वो कैमल कैसिंग यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट कैपिटल लेटर उसका, फर्स्ट कैरेक्टर उसका कैपिटल होता है. और इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप हम नम वन वेरिएबल को जो है वो हम सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस दे रहे हैं. तो रीड ओनली का एक्सेस देने के लिए इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गेट और एक होता है सेट. जो गेट होता है इसका मतलब होता है व्यू यानी कि रीड, और जो सेट होता है इसका मतलब होता है राइट यानी कि चेंज अलाउ यूजर टू रीड, अलाउ यूजर टू रीड. सर गेट में कुछ चेंज नहीं कर सकते आप? यूजर टू अभी मैं बताता हूँ टू चेंज. गेट तो गेट का मतलब है गेट करना, व्यू सिर्फ मिल जाए, रीड ओनली हो जाए, कोई चेंज ना कर सके. अब तो गेट का क्या करवाएगा, गेट हमें क्या करवाना है, वही वैल्यू जो हमने यहाँ पे हम अपने एक्चुअल वेरिएबल को लिख देंगे, एक्चुअल वेरिएबल को बस बेहतरीन. और रिटर्न कराना होता है इसको हमने, रिटर्न नंबर. ठीक है भाई, तो हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है जिससे हम क्या करेंगे, अभी हम सेट वाले को ना कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक अब देखना है कि हम क्या अपनी इस वैल्यू को जो नम में हमने डिफाइन की है 10, क्या हम उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं. अब आप देखिएगा कि मैं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी हम जो है कमेंट कर देते हैं obj1. अब मैं दबाऊंगा तो अब देखो यहाँ पे ये नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही है और इसको उसमें वो लिखा भी आ रहा है कि ये गेट की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ रीड ओनली की है. तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हमें प्रिंट कराना है. तो हम कैसे करते हैं भाई, console.write हैं हम लिखते हैं कि भाई इसके अंदर
इन प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू है, ओबीजे वन डॉट नम वन। तो ये अब मैं अगर इसको रन करता हूँ ठीक है भाई, तो 10 उसके अंदर हमने वैल्यू लिखी थी, 10 इसके अंदर आ भी गई है। देखो 10 अगर आ रही है, ये 10 इसके अंदर आ गई है। लेकिन अगर मैं इस, अब इस वैल्यू को अगर मैं इसको यानी कि इसको चेंज करना चाहूँ, यानी कि इसको मैं ऐसे करना चाहूँ, ओबीजे वन डॉट नम वन इज इक्वल टू 15, जो 10 है, यानी कि यहाँ पे जो हमने वैल्यू हमने यहाँ पे नम वन की क्या दी हुई है 10, और अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो क्या करने देगा, क्योंकि मैंने तो अभी उसका प्रॉपर्टी में सेट लिखा ही नहीं है। तो आंसर है एरर। एरर क्या दे रहा है भाई, ये एरर देगा कि ये जो प्रॉपर्टी आप असाइन करने जा रहे हैं ये तो रीड ओनली है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये एरर समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ जो आ रहा है बॉक्स में, इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रॉपर्टीज के थ्रू अपने वेरिएबल को सिक्योर कर लिया। आप सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस दिया हुआ है आपने कि भाई मेरे वेरिएबल्स को आप देख सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। तो यही फायदा होता है क्लासेस बनाने का और उसके अंदर वेरिएबल्स को बनाने का, कि डेटा आपका हाइड हो जाता है। जो इनकैप्सुलेशन होती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फर्स्ट पिलर है कि आपका डेटा हाइड हो जाए, तो डेटा हाइड इसी तरह से होता है कि आप अपने वेरिएबल्स को या अपनी जितनी भी चीज़ें उनको प्राइवेट रखते हैं, और जिनका एक्सेस आप देना चाहते हैं उनको रीड ओनली का एक्सेस दे देते हैं। किसके थ्रू? प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब ये अगर हमने इसको, इस एरर को रिमूव करना है, तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका इसके अंदर ये जो सेट का मेथड है प्रॉपर्टी के अंदर, ना दो मेथड्स होते हैं ना, एक होता है गेट का और एक होता है सेट का। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे कि ये वैल्यू चेंज कर सके। कैसे, क्या करेगा भाई, नम वन के अंदर ये वैल्यू चेंज कर सके। सिंपल, नम क्या है, नम वन क्या है, मेरा एक्चुअल वेरिएबल नेम है, ठीक है, जो क्लास में मैंने डिफाइन किया है, प्राइवेट वेरिएबल। और ये वैल्यू क्या है, जो मैं वैल्यू प्रॉपर्टी को दूंगा ये उसका, ये उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, कैसे, यहाँ पे जो मैंने 15 वैल्यू दी है ना, यहाँ पे ये 15 वैल्यू कैसे, अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और इस तरह वो नम की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी, चेंज होके 15 हो जाएगी। अब मैं ज़रा इसको दोबारा से प्रिंट करता हूँ। अब आप देखें, बाकी तो मैंने मेथड को ना वो क्या करता हूँ, सिंपल कमेंट कर देता हूँ ताकि आंसर कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले कंसोल में आपने क्या करेंगे भाई, ये हम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास रिपीट करके देख लीजिएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा में बता देता हूँ, हम यहाँ पे एक क्लास बनाई है हमने, उसके अंदर हमने वेरिएबल्स लिखे हैं, मेथड्स लिखे हैं। पहले हमने उन मेथड्स को कैसे एक्सेस करते हैं वो समझा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स को, क्योंकि हमें वो नज़र नहीं आते, वो ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं हो पाते, तो अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उन प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस भी करेंगे और चेंज भी करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ उसको एक्सेस करना सीखा था, कि हमने उसके अंदर सिर्फ गेट का मेथड बनाया था उस प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि ये मेथड बनाया था, ठीक है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, उस वैल्यू को सेट भी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी में तो उसका मेथड लिख दिया सेट का, अब हम उसके अंदर यहाँ पे हमने उसको 15 वैल्यू दी, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगी, कोई बता सकता है? नंबर वन में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, क्या वैल्यू होगी? 10। सर आप जो रिटर्न कर रहे हैं उसमें आप जो वैल्यू डालेंगे वो कब आएगी, यानी कि उसके बाद आएगी या पहले आएगी? पहले नहीं आएगी ना मेरे भाई, मैं तो राइट तो बाद में करा रहा हूँ ना। पहले जो वैल्यू होगी वो तो वही बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो इसके अंदर मैंने लिखी हुई है। कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 10 लिखी हुई है। तो क्या प्रिंट होगी? उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया, अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 15 प्रिंट होगी।
तो आप जरा देखते हैं, देख लेते हैं भाई क्या आंसर आना चाहिए। भाई सबसे पहले 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा। बेहतरीन 10 और 15 आ गए। आज हमने क्या सीख लिया भाई? हमने ये सीख लिया कि एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम मेथड्स बनाते हैं, और जब हम उनको एक्सेस करने जाते हैं तो वो हमें एक्सेस नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती हैं। फिर हम उनके एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू उनको चेंज करते हैं, मेथड को पब्लिक करते हैं, तो मेथड हमें इजीली विजिबल हो जाता है। लेकिन अगर हमने वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है तो वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं। प्रॉपर्टी बनाने का जो सिंटैक्स है वो ये होता है कि प्रॉपर्टी हमेशा पब्लिक होती है। सेम इंटीजर डेटा टाइप वही होती है जो कि आपकी वेरिएबल की डेटा टाइप होती है, और नेम जो होता है वो भी सेम होता है। सिर्फ जो पहला कैरेक्टर होता है वो अपर केस में हम उसको लिखते हैं ताकि डिनोट हो सके कि ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी? एक प्राइवेट वेरिएबल की। एक प्रॉपर्टी के अंदर दो मेथड्स होते हैं, गेट का और सेट का। गेट का मतलब होता है अलाउ कर दो रीड ओनली, और सेट का मतलब होता है अलाउ कर दो कि वो वैल्यू चेंज कर सके। गेट के अंदर जब हमने वैल्यू को रीड करना होता है तो हमने बेसिकली जब वो रीड करेगा तो क्या रीड करेगा? एक्चुअली यूजर जो है वो रीड करेगा। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, काफी देर से सुन रहा था, तो ये सिर्फ यूजर ही देखेगा। यूजर का मतलब भाई मैं बैठा हुआ हूँ ना, यानी कि जब मैं प्रोग्राम किसी को कंपाइल करके दे दूंगा तो उसके हाथ में चला जाएगा ना, तो वो सिर्फ क्या देख सकेगा? वैल्यू देख सकेगा इस क्लास को यूज करके। ठीक है, मतलब वो एडिट नहीं कर सकता जब तक हम एडिट नहीं कर सकता, जब तक हम सेट ना बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें कि आपने अपने कौन से क्लास की कौन से वेरिएबल्स को आपने रसाई देनी है रीड ओनली के लिए, और किसको देना है चेंज के लिए। ठीक है, अभी हमने अब आप देखें कि ये मैंने वेरिएबल इसलिए बनाया, ये num2 का मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। अब आप लोग मुझे बताएंगे num2 प्रॉपर्टी कैसे बनाऊंगा मैं, कोई एक बताए। num2 की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? सर मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पता। वो तरीके से बनेगी। अरे यार सिंपल है भाई, यहाँ से ये कॉपी पेस्ट होगा, क्लास बनाएंगे, मैंने बनाई भी है ना, प्रॉपर्टी बनाई भी है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा और यहाँ पे नाम उसका num2 कर दूंगा, बन गई प्रॉपर्टी। और नीचे भी तो रिटर्न num2 आएगा ना सर? हाँ ये बेहतरीन मेरा भाई चीता। नम1 की प्रॉपर्टी बना के हम num2 की प्रॉपर्टी बना के num1 को ही रिटर्न करा रहे हैं, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा भाई ताकि हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकें। ठीक है, तो बेहतरीन, आप लोगों को समझ में आ गया कोड को? सर केस सेंसिटिव नहीं होगा, आपने ऊपर अल्फाबेट सर केस सेंसिटिव हो जाएगा ना, आपने एन ऊपर कैपिटल लिखा है नीचे स्मॉल लेटर में लिखा है। भाई दो तरह की केसिंग होती है, या ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मैंने लिखा है ये पास्कल केसिंग है शायद। ठीक है, ठीक है, ये एक तरीका होता है टू डिफाइन अ वेरिएबल। सर एक कैमल केसेस भी होती है। और कैमल केसिंग क्या होती है? कैमल केसिंग में आप, मैं इसको दिखा भी देता हूँ कि कैसे लिखते हैं वेरिएबल। इसमें पास्कल केसिंग में जब भी आपने पॉलीनोमियल एक नेम का वेरिएबल बनाना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, नेम, एज, ईमेल। अगर मैं इसी को कैमल केसिंग में लिखूंगा, सर ये पास्कल केसिंग, मैं क्या करूंगा, यही चीज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, नेम, एज, ईमेल, ये होता है। समझ में आया भाई? सिंपल, पहला कैरेक्टर कैपिटल अपर केस में आ जाता है। और एक और मैं भी चीज बता दूं, यूजर नेम क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर, ये पास्कल और ये कैमल कैसे, ये जो केसिंग यार, ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है, यूज करते हैं कि वेरिएबल्स को डिफाइन करने में, मेथड्स को डिफाइन करने में, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने में क्या यूज करते हैं, ताकि जब भी प्रोग्राम को
बंदा पढ़े तो उसको पता हो कि यार अगर पास्कल केसिंग में कुछ चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल है, और अगर कैमल केसिंग में कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो कोई फंक्शन है या फिर कोई किसी की प्रॉपर्टी है किसी वेरिएबल। तो ये एक टर्मिनोलॉजीज है जो यूज होती है, ठीक है भाई। तो तुमने देखा होगा यूजर नेम में मैंने क्या करा, यू का कैपिटल, यू को कैपिटल करा और नेम को कैपिटल करा, तो सिंपल ये फर्क होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, हमने दो प्रॉपर्टीज बना ली है भाई, और आज की क्लास में आई थिंक हमने बहुत है, मुझे लगता है कि काफी है जी सर। अब ये बिल्कुल बेस है यार, ये बिल्कुल बेस है सर, काफी है, वरना और भी जानवरों की आवाज आ रही है के लिए। मैं दोबारा से जल्दी से रिकैप करता हूँ क्लास को, ठीक है। जी सही सर, करें सर। आज की क्लास में हमने सबसे पहले ये देखा कि जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास कैसे बनती है, इस पे राइट क्लिक करके हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पर राइट क्लिक करके ऐड में जाके एक नई क्लास ऐड करते हैं, ठीक है। जब वो क्लास बन जाती है उसमें नाम देते हैं, ये जो यूजिंग करके जो चीज़ें लिखी भी आ रही है उसका मतलब होता है कि ये सिस्टम जो है वो यूज़ करेगा, यानी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर वो लाइब्रेरीज जो कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइंड हैं हम उनको इस्तेमाल करने जा रहे होंगे, और .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो सबसे बेस पेरेंट लाइब्रेरी का नाम होता है वो सिस्टम होता है, ठीक है। बाकी जितनी भी क्लासेस लाइब्रेरीज होती हैं वो सिस्टम से डिफाइन होती हैं, जैसे सिस्टम डॉट कलेक्शन। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ना ये सिर्फ ये चीज़ विजिबल है, बाकी ये चीज़ विजिबल नहीं है, तो ये बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो वेरिएबल्स है ना ये यूज़ नहीं हो रहे हैं, ये क्लासेस जो हैं वो यूज़ नहीं हो रही हैं, इस तरह से जो है ना ये आदत से मजबूर लोग हैं, इनका जो विजिबिलिटी है वो क्या हो गई है, ग्रे हो गई है। मैं इनको अगर हटा भी दूं ना तब भी कोई मसला नहीं है, मतलब एंड में शुरू हो जाना है सब ने, हां खड़े हो जाओ सब, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद फिर हमने क्या करा, हमने नेम स्पेस को समझा। नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस वो होता है जो कि हमने ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट के नाम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया होता है उसी के नाम से होता है नेम स्पेस, और इसके अंदर हमारी तमाम क्लासेस मौजूद होती हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, माई मैथ की क्लास है और प्रोग्राम की क्लास है, तो वो इस नेम स्पेस में मिल जाएगी हमें, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं, फिर हमने क्या करा, हमने एक माई मैथ की क्लास बनाई थी, उसके अंदर हमने दो मेथड बनाए थे, दो वेरिएबल लिखे थे, नम वन नम टू, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स बाई डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ठीक है। फिर हमने उनकी क्या करा, फिर हमने एक मेथड बनाया था, हमने समझा कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये सब रूटीन फंक्शंस होते हैं, सब रूटीन फंक्शंस, और हमने फिर नॉर्मल फंक्शन बना के देखे। दोनों में फर्क सिर्फ ये होता है, दोनों में सिर्फ ये फर्क होता है कि नॉर्मल फंक्शन कुछ रिटर्न करते हैं और सब रूटीन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते। दोनों को हमने प्रिंट करा के देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उन वेरिएबल्स की जो कि प्राइवेट थे उनकी प्रॉपर्टीज बनाई, प्रॉपर्टीज बनाने का हमने तरीका सीखा किस तरह बनाते हैं। प्रॉपर्टीज हमेशा पब्लिक होंगी, प्राइवेट नहीं हो सकती, वरना तो प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। वो सेम डेटा टाइप होती है जो कि हमारे वेरिएबल की डेटा टाइप होती है, और नाम जब हम लिखते हैं सेम नेम होता है हमारे वेरिएबल का, मगर सिर्फ उसके अंदर हम जो उसको जब लिखते हैं तो हम उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दो मेथड हमने बनाए हैं, एक प्रॉपर्टी के अंदर दो मेथड होते हैं, गेट का सेट का। गेट का मतलब होता है अलाउ करो यूज़र को रीड के लिए, व्यू के लिए चेंज ना कर सके, और सेट का मतलब होता है कि वो चेंज भी कर सकता है। तो हमने दोनों वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज बनाई, और फिर उसको हमने एक्सेस करने के लिए क्या किया, हमने क्लास बनाई, क्लास बनाने ऑब्जेक्ट बनाया उसका, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने उसका कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। किसी ने पूछा था कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या फ़र्क होता है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है, उसके बगैर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा उस क्लास का, और मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर हमने जो है वो क्या कहते हैं उन दोनों वेरिएबल्स को हमने उसमें से एक वेरिएबल को हमने एक्सेस किया और उसको पहले प्रिंट कराया, और फिर उस प्रॉपर्टी को हमने चेंज किया, तो उस वेरिएबल को चेंज किया उस प्रॉपर्टी के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज एक्चुअल वेरिएबल नम वन थ्रू इट्स प्रॉपर्टी,
ठीक है, वो हमने 15 यहाँ पे वैल्यू दे दी, फिर हमने जब उसको प्रिंट कराया तो उसका जो हमने चेंज किया था वो वैल्यू उसके अंदर प्रिंट हो गई। सर आप ये सब कमेंट्स में क्यों लिख रहे हैं? ये ताकि यार तुम लोगों को बाद में जो समझे और याद करे तो उसको पता हो कि क्या लिखा है, क्या क्या। सर अगर हम ये सॉर्टेड लेक्चर मिल जाएगा सर? हाँ हाँ मिल जाएगा यार, मैं ईमेल कर दूंगा मैं ये। और ये जो लास्ट में कंसोल डॉट रीड डाइन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये मैं टू प्रॉम्प्ट स्क्रीन, बेसिकली ये स्क्रीन को रोकने के लिए होता है, यानी कि आउटपुट जब आएगा ना तो वो स्क्रीन रुकी रहे, चली ना जाए, जो जैसे हम सी में लिखते थे गेट सी एच आर करके लिखते थे, तो इस तरह यहाँ पे हम कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो कंसोल है ना, ये जो तो ये भी अगर देखा जाए तो ये क्लास है, ये कंसोल क्या है, एक क्लास है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स फॉर कंसोल एप्लीकेशन, और इसके अंदर ये क्या चीजें आ गई, अब मैं डॉट करूंगा ना तो ये क्या आ गए, सारे उसके मेथड्स आ गए। कंसोल डॉट राइट लाइन ये इसका मेथड है जो कि प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है और ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, फिर ये मेथड कैसे नजर आ रहा है? नम वन को आप प्रिंट कर रहे हैं ना? हाँ वो तो ऊपर गुजर गया, मैं ये अभी कंसोल के पर आ गया कि कंसोल तो मैंने आगे सिर्फ डॉट लिखा है और आगे उसका मुझे मेथड नजर आ गया राइट लाइन। तो सवाल ये होना चाहिए कि आपने इस कंसोल का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, यानी कि CLS करके म्यूट कर दें सर। यार आवाज देना वो डिस्टर्ब हो रही है सर का लेक्चर, मुझे टू करके मैं अगर इस कंसोल का ऑब्जेक्ट बनाता इस तरह करके न्यू करके, ये तो मैंने बनाया ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कंसोल सर ठीक है, तो कंसोल करके मैं सिंपल डायरेक्ट उसका मेथड एक्सेस कर रहा हूँ। तो ऐसे मेथड जो कि क्लास लेवल से एक्सेस हों या ऐसे वेरिएबल जो कि क्लास लेवल से एक्सेस हों, वो वेरिएबल्स और वो मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। अब ये स्टैटिक क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हम कल बताना, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, होप आप सबको समझ में आया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे और टाइम वगैरह कर दी जाएंगे, ठीक है जिन जो सर ये ना फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, ये जो है वीडियो को अपलोड कर दी जाएगी। और यार मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो कि इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं और जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, देखें दुनिया में ना हर तरह के लोग, अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, कोशिश करें अच्छे लोगों में शुमार हो आपका नाम और आप लोगों को अच्छे लोगों की याद में रखा जाए, ठीक है। तो मैं आप क्लास को एंड करता हूँ, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।